दोस्तों, पुराने से पुराने दांत खाज खुजली को जड़ से समाप्त करने का बहुत ही बढ़िया नुस्खा आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन अलग अलग तरह की रेमेडी शेयर करूँगी। तीन में से जो भी सामान आपके घर पर है, जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएं, आप उस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। तीनों रेमेडी जो मेरी आज हैं दोस्तों, तीनों ही 100% वर्क करेंगी। बहुत आसानी से हम होम रेमेडी से दांत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन को जड़ से समाप्त कर सकते हैं और फिर ये आपको दोबारा कभी भी नहीं होगा। खुजली की समस्या दूर होगी, जो दर्द तकलीफ होती है, जलन होती है, वो सारी चीज़ों को दूर करेगा ये आसान सा उपाय। सबसे पहले रेमेडी नंबर 1, कपूर। यहाँ पर जो मैंने कपूर लिया है दोस्तों, बहुत पुराने समय से ही कपूर का इस्तेमाल दांत खाज खुजली को ख़त्म करने के लिए, की समस्या को दूर करने के लिए किया आता जा रहा है। ये वही कपूर है दोस्तों जिसका इस्तेमाल हम लोग भगवान की पूजन में करते हैं, भगवान की पूजा में करते हैं। बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आयुर्वेद में कैम्फर कपूर का इतना ज़्यादा महत्व है और ख़ासकर स्किन से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है कपूर का एप्लीकेशन। 2 कपूर की गोलियां ली हैं जिसका पाउडर बना लिया है और इसमें डाला है मैंने चुटकी भर हल्दी। हल्दी जो होती है दोस्तों, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। हल्दी तो एक औषधि है, एक मेडिसिन है। हल्दी का भी आयुर्वेद में बहुत महत्व है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। घाव को भरती है, सूजन को दूर करती है, पैरों में मोच आ जाती है उसे ठीक करती है। चेहरे पर हल्दी लगाने से रंग निखरता है, फोड़े फुंसी मुहासे की समस्या दूर होती है। इसी प्रकार से जो हल्दी है दोस्तों, हमारे चर्म रोग को तेजी से खत्म करती है। अगली चीज, नारियल का तेल। 2 चम्मच आपको यहाँ डालना है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। जहाँ पर हमें ये स्किन डिसीज़ होती है दोस्तों, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वहाँ की स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जब हमारी स्किन जब सूख जाती है, हमारा मन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम खुजली करें, जिससे वो स्किन और भी ज़्यादा फट जाती है। इसलिए मैंने 2 चम्मच नारियल तेल का इस्तेमाल किया है ताकि उस जगह पर खुजली ना हो, वो जगह मॉइस्चराइज हो, उनमें नमी रहे थोड़ी सी तेल का, ताकि ड्राइनेस दूर हो सके। कोकोनट ऑयल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। छोटी मोटी चोट घाव को केवल नारियल तेल अपने आप में ही ठीक कर देता है। औषधि गुणों से भरपूर होता है कोकोनट ऑयल। तो रेमेडी नंबर 1 थी जिसमें मैंने कपूर का पाउडर, हल्दी और नारियल तेल, इसका एप्लीकेशन दिन में 2 बार करना है। रेमेडी नंबर 2, एलोवेरा। फ्रेश पत्ती का ही जेल लेना है, मार्केट वाले जेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। एलोवेरा ग्वार पाठा धृत कुमारी कई नामों से जाना जाता है। बहुत पुराने समय से ही ग्वार पाठा का इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया आता जा रहा है। एक संजीवनी जड़ी बूटी है जो कि चाहे चर्म रोग हो, चाहे हमारे जोड़ों का दर्द हो, जॉइंट पेन हो दोस्तों, तुरंत ही ठीक करता है। चाहे बालों के झड़ने से परेशान हैं, केवल एलोवेरा जेल लगा लें, बालों का झड़ना बंद होगा। उसी तरह से जोड़ों के दर्द में इसका जेल लगा लें। यहाँ पर मैंने एलोवेरा को इसकी छिलके सहित, इसकी ऊपर की स्किन सहित पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। इस एलोवेरा के पेस्ट में डालना है चुटकी भर हल्दी। उस जगह पर लगाएं जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है। दिन में 2 बार लगाएं, एक बार सुबह लगाएं, एक बार रात को सोते समय जरूर लगाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। उंगलियों की सहायता से लगाएं, आपके पास रुई है, कॉटन है, तो कॉटन की सहायता से लगाएं। एक बार एक रुई को इसमें कटोरी में डिप करने के बाद दोबारा उस कॉटन को, उस रुई को दोबारा इस पेस्ट में डिप ना करें। हर बार आप साफ रुई का इस्तेमाल करें। सुबह एक रुई का टुकड़ा ले लें, उसमें डिप कर लें इस पेस्ट को, खूब अच्छी तरह से उस जगह पर फैला लें जहाँ यह इन्फेक्शन हुआ है। एक बार रात के लिए आप फिर से दूसरी रुई लगा ले लें और फिर से इस पेस्ट को लगा लें। तो आप इस तरह से, यह है मेरी रेमेडी नंबर 3। यहाँ पर मैंने लिया है कपूर, जैसा बता चुकी हूँ मैं कपूर के बारे में, और दूसरी चीज़ ले रही हूँ कपूर के साथ लाल तेल। लाल तेल जिसे हम लोग नवरत्न तेल भी कहते हैं। इस तरह से इसका पाउच आता है, मात्र 5-6 रुपए में ये पाउच आता है। तेल की बॉटल भी आती है। आप यदि पहली बार ट्राई करना चाहते हैं तो एक पाउच लेकर आएँ, बहुत कमाल का रिजल्ट मिलेगा आपको। तुरंत ही दांत खाज खुजली की समस्या समाप्त होगी और आप आसानी से इसे छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपूर की 2 गोलियों को पीस कर उसका पाउडर बनाया है और इस पाउडर में अब आपको मिलाना है 2 चम्मच लाल तेल, नवरत्न तेल। खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और उस जगह पर लगाएं जहाँ पर आपको ये फंगल इन्फेक्शन है। बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, कई रोगों के उपचार में इस रेमेडी का किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। शरीर में कहीं गठान है वहाँ पर भी लगा, किसी चोट में, घाव पर भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ
फंगल इन्फेक्शन के लिए तो ये रामबाण नुस्खा है। दोस्तों, चर्म रोग होने का क्या कारण है? हम यदि अपने शरीर की अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि यदि हम नहाने के बाद अपने बदन को सूखे तौलिए से नहीं पोंछते हैं या सूखा नहीं करते हैं, गीले कपड़े पहन लेते हैं, तो भी हमें उस जगह पर खुजली होती है, और जब हम ज़्यादा खुजली करते हैं तो दाने निकल आते हैं। धीरे धीरे ये दाने फैलने लगते हैं और खाज खुजली का रूप ले लेते हैं। तो नवरत्न तेल में मैंने कपूर का पाउडर डाला है, इसको मिलाकर आपको दिन में 2 बार लगाना है। बहुत अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करते लगाएं, ताकि ये ऑयल है वो आपके स्किन के अंदर तक के जाए, अंदर तक के जाकर एब्जॉर्ब हो सके। आप देखेंगे 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत आराम मिलेगा। आप तीनों में से जो रेमेडी आपके पास है, जो सामान है आपके पास, वो रेमेडी ज़रूर करें। नवरत्न तेल किसी भी किराना दुकान में मिल जाएगा, मैं भी किराना दुकान से लेकर आई हूँ। एलोवेरा का पौधा घर पर जरूर लगाएं दोस्तों, अपने बालों के लिए भी लगाएं। बालों का झड़ना बंद होता है, चेहरे पर चमक आती है। फ्रेश पत्ती का जेल लेना है, मार्केट के जेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बहुत आसानी से आप इस एंटीसेप्टिक और इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इस एंटीसेप्टिक ही हो गई ये क्रीम जो हमने ये तेल बनाया है दोस्तों, और तेज़ी से ये असर करेगा और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। जो हमारे त्वचा पर लाल लाल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिनमें हमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, पसीना आने पर इनमें बहुत ज़्यादा जलन होती है दोस्तों, एक्जिमा का भी रूप ले लेती हैं ये चीज़ें, तो आसानी से आप इसे क्योर कर सकते हैं। मेरी रेमेडी नंबर 4 है दोस्तों, मैं आज आपके साथ 4 रेमेडी शेयर कर रही हूँ। कड़वे नीम की ताज़ी पत्तियाँ, ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरिजन ड्राई लीव्स के। नहीं है तो सूखी पत्तियाँ ले लें, सूखी पत्तियों का पाउडर भी मार्केट में आजकल मिलता है। आज तो आयुर्वेदिक स्टोर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, परंतु फ्रेश लीव्स में, ताज़ी पत्तियों में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। कुछ पत्तियों को लिया है, इन डंडियों को मैंने पहले से धो लिया था, कपड़े के ऊपर फैला दिया था। अब इन पत्तियों को कुचल लेना है, अच्छी तरह से इसका फाइन पेस्ट बना लेना है, छान कर नीम का रस निकालना है, प्योर जूस नीम का। वैसे तो मेडिकल स्टोर में नीम का तेल भी आता है, आप चाहें तो नीम का तेल भी लगा सकते हैं, परंतु कई बार कई लोगों को जलन होती है। यहाँ पर नीम की पत्तियों को कुचल लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने इसका रस निकाल लिया, छन्नी से छान कर निकाला है ताकि टुकड़े ना आए। आप चाहें तो रुई की सहायता से, अपने हाथों की सहायता से दिन में 2 बार कड़वे नीम की पत्तियों का रस भी आप लगा सकते हैं। आपकी खुजली शांत होगी उस जगह पर जहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, कोई भी निशान नहीं पड़ेगा और आपको दर्द से बहुत ही राहत मिलेगी। जब भी इस तरह का कोई चर्म रोग हो, दांत खाज खुजली दोस्तों, ये खासकर बारिश के मौसम में बहुत तेज़ी से फैलता है। बदलते मौसम में ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप वाले को हो सकता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।